एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में 44 ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने इसके एक एक कनेक्शन आपको बताया था, अगर आप वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपके कनेक्शन भी बताएंगे, ठीक है ना, साथ में ही हम इस बोर्ड की साउंड टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो होने वाला है धमाकेदार, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है हमारे सेलकोन का और 44 का ऑडियो बोर्ड, ठीक है ना। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने इसके एक एक कनेक्शन बताए थे, इस वीडियो में दोस्तों पहले आपको कनेक्शन इसके समझाएंगे कैसे कैसे हमने इसके कनेक्शन किए हैं। और ये ब्लूटूथ पैनल है हमारा, ये वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, ठीक है ना। साथ में ही ये 12 वोल्ट की हमारी एक बैटरी है, ठीक है ना, जिससे हम इसे चलाने वाले हैं। और ये 2 स्पीकर हैं दोस्तों हमारे, जिससे इसकी साउंड टेस्टिंग हम करके देखेंगे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो फटाफट से पहले दोस्तों हम कैमरा सेट कर लेते हैं। कैमरा सेट करने के बाद में दोस्तों इसका एक एक कनेक्शन आपको बताएंगे, उसके बाद में हम इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है ना दोस्तों। तो फटाफट से दोस्तों पहले हम अपना कैमरा सेट करते हैं, फिर इसके आपको कनेक्शन बताते हैं। तो दोस्तों हमारा ने कैमरा सेट अपना कर लिया है, अभी बताते हैं आपको इसके कनेक्शन के, हमने इसके कनेक्शन किस किस तरह से किए हैं वो सब पहले बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे बोर्ड को पलटते हैं, पलटने के बाद में बताते हैं आपको कनेक्शन किस किस तरह से किए हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने इसका एक एक कनेक्शन बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पावर सप्लाई से बात करते हैं। तो ये जो हमारे 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जो कि हमारे एक कैपेसिटर पर लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है, प्लस माइनस लगे हुए हैं हमारे। तो ये दोस्तों हमारे हैं 12 वोल्ट से, आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट दे सकते हैं, चाहे आप ट्रांसफार्मर से 0-12 की सप्लाई दे करके इसे चला सकते हैं, दोनों से चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बताते हैं स्पीकर के कनेक्शन हमने कहाँ पे किए हैं। तो स्पीकर के कनेक्शन दोस्तों ये हमारे आप देखेंगे, ये इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो पिन नंबर 3 और 5 हमारी स्पीकर की होती हैं, ठीक है ना। अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये 10 नंबर की पिन हमारी और 12 नंबर की पिन हमारी स्पीकर की होती है। इसी तरह से दोस्तों इस साइड की भी है हमारी, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर और 5 नंबर हमारी स्पीकर की है। अगर इधर से काउंट करते हुए जाएंगे आप तो 10 नंबर और 12 नंबर की जो पिन है हमारी, वो हमारी स्पीकर की होती है, ठीक है ना। ये वो हो गए हमारी स्पीकर के दोनों साइड के, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारे हैं वॉल्यूम के कनेक्शन, हम बताते हैं आपको कि वॉल्यूम के कनेक्शन हमने किस किस तरह से किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो हमारी आईसी है, आईसी की जो पिन नंबर 2 होती है, ठीक है ना दोस्तों, ये पिन नंबर 2 है। तो ये पिन नंबर जो 2 है हमारी, ये होती है हमारी आउटपुट की, ठीक है ना, ये हमारी आउटपुट की है जो कि हमारी वॉल्यूम पे गई हुई है, ठीक है ना। वॉल्यूम ये दिखाते हैं आपको, ये वॉल्यूम पे गई हुई है ग्रीन वाली वायर, उसके साथ में ही ये हमारा एक ग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों इस साइड में भी है हमारा, ये ग्रीन वाला आउटपुट है और ये हमारा जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमने जो स्पीकर की जो मतलब इस वॉल्यूम पे जो हमारी इनपुट गई है, ये जो हमारी येलो कलर की जो इनपुट है, ये हमने कहाँ से दी है, तो ये दोस्तों हमने दी है, देखो आपको दिखाते हैं, ये दोस्तों हमारी यहाँ से दी हुई है हमने, यहाँ पे दो दोस्तों रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी, ये देखेंगे आप, ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये जो 2 कैपेसिटर हैं ना, इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना। ये वाली 2 रेजिस्टेंस है, ये वाली एक ये और एक ये। तो दोस्तों ये हमारी ये जो इनपुट की है जो कि हमारे वॉल्यूम पर गई हुई है। अगर दोस्तों हम इसे यहाँ पर अपना जो इनपुट नहीं लगाएंगे तो हमारा बेस टेबल का सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने दोस्तों हमने वॉल्यूम पे यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में हमने जो ब्लूटूथ पैनल है हमारा, ब्लूटूथ पैनल के अब के बताते हैं आपको कनेक्शन किस किस तरह से करने हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे 5 वोल्ट के कनेक्शन, जो कि आप देख सकते हो, ये ब्लूटूथ पैनल के लिए 7805 हमारी यहाँ लगी हुई है, ठीक है ना, ये देख सकते हो। तो ये 5 वोल्ट के कनेक्शन हमने यहाँ पर किए हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने ऑडियो इनपुट कहाँ पे की है वो भी बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे पीएफ रेजिस्टेंस, पीएफ तो दोस्तों सेकंड नंबर का जो पीएफ है हमारा, ये वाला सेकंड नंबर का पीएफ है, इसकी दोस्तों ये वाली जो लैग है, ये हमारी लैग खाली होती है, ठीक है ना। हर 44-40 के ऑडियो बोर्ड में दोस्तों यहीं पर आपको ऑडियो इनपुट करना है ब्लूटूथ पैनल से, पीएफ रेजिस्टेंस पीएफ, जो ये हमारा सेकंड नंबर का पीएफ है, इसकी दोस्तों ये जो दूसरे वाली लैग है ये हमारी खाली होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पीएफ रेजिस्टेंस पीएफ, तो यहाँ पे हमारा पीएफ आ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों ये वाला पॉइंट गया उठ करके यहाँ पे, और ये जो हमने ऑडियो का इनपुट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला।
तो ये हमारा लेफ्ट का है, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारा राइट का है, राइट का भी दोस्तों हमें इसी तरह से कनेक्ट करना है। दोस्तों इसका वायर छूट गया है, तो आपको इसी तरह से जो हमारे इस साइड का है, आपको दिखाते हैं इस साइड का भी पीएफ रेजिस्टेंस, पीएफ। तो ये वाला जो पीएफ है इसकी दोस्तों दूसरी जो लैग है उसका जो ऑडियो इनपुट करना है वो हमें यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ग्राउंड है वो दोस्तों ग्राउंड आप कहीं भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस ब्लूटूथ पैनल से अपने कनेक्शन किए हैं। और दोस्तों बेस टेबल के सर्किट के कनेक्शन आपको कैसे करने हैं वो भी बताते हैं। तो दोस्तों ये जो पीएफ रेजिस्टेंस पीएफ होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा टेबल का, ठीक है ना। ये पीएफ रेजिस्टेंस पीएफ, तो यहाँ पे जो हमने वायर लगाने हैं वो लगाने हैं अपने टेबल के। और ये जो आपको तीन रेजिस्टेंस दिख रही हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे लगते हैं बेस के। उसी तरह से फिर ये दूसरी साइड का आता है पीएफ रेजिस्टेंस पीएफ, तो यहाँ हमारे टेबल के, और ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं यहाँ हमने फिर बेस के। तो इस तरह से दोस्तों हमें इस बोर्ड के अपने कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर 44 हर्ट्ज़ का ऑडियो बोर्ड है तो इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने एक एक कनेक्शन आपको करके बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज़रूर देख लेना। एक एक कनेक्शन करना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसकी आपको साउंड टेस्टिंग दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है ना। तो फटाफट से करते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, इसे हमने अपनी 44 हर्ट्ज़ की ऑडियो बोर्ड को हमने इस बॉडी में फिट कर लिया है, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम, ये बेस, ये टेबल, और ये हमने एक ब्लूटूथ पैनल यहाँ कटिंग करके लगा लिया है, ठीक है ना। और ये दोस्तों एक साइड में हमारी ये वाली स्पीकर चलेगा, एक साइड में ये वाला स्पीकर चलेगा। तो फटाफट से दोस्तों हम इस 12 वोल्ट की बैटरी से इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों दिखाते हैं इसकी आपको साउंड टेस्टिंग। We'll be right back.